हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है यूज़ ऑफ येस और नो फ्रॉम योर बुक लिटरेरी जर्नीज एंड इंग्लिश रीडर प्राइमर बाय ब्रेन रूट सीरीज। तो हम इस चैप्टर में येस और नो के बारे में पढ़ेंगे। येस इज़ अ पॉजिटिव आंसर। तो जब हम एक सही आंसर देते हैं, बिल्कुल राइट आंसर देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? येस। पॉजिटिव मतलब येस। एंड नेगेटिव आंसर जब हम देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? नो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं येस और नो से। इज दिस अ डॉग? क्या ये डॉग है? येस, ये एक डॉग है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? येस इट इज अ डॉग। बिल्कुल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, येस इट इज अ डॉग। इज दिस अ बेड? ये क्या एक बेड है? नहीं, ये तो एक पर्स है, एक बैग है। तो आप यहाँ लिखेंगे नो, no this is not. Is this a flower? क्या एक flower है? Yes, ये this is a flower. Is this a car? क्या ये गाड़ी है? आप क्या लिखेंगे? Yes, this is a car. Next is this a kite? क्या ये kite है? बच्चों आप बताइए, ये एक bird है? बिल्कुल नहीं, ये kite नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? No. Is this a pen? No, ये तो एक pencil है। Is this an ice cream? Yes, this is an ice cream. So इस तरीके से हमने yes और no को fill करा है। ठीक है, now you have to fun and learn. Correct, respond. The girl hops, the girl jumps, the girl dances. तो ये girl क्या कर रही है बताइए आप? ये hop कर रही है, ये jump कर रही है, या ये dance कर रही है? ये dance कर रही है। तो हम यहाँ इस पर टिक लगा देंगे। The cow eats, the cow runs, the cow sits. ये cow क्या कर रही है बच्चों? ये cow खाना खा रही है ना, eat कर रही है। तो हम यहाँ पे eat वाले पे टिक मार्क लगा देंगे। The stars twinkle, the stars smile, the stars float. जो stars हैं वो चमक रहे हैं, twinkle मतलब चमकना। The tiger jumps, the tiger roars, the tiger sleeps. यहाँ पे क्या कर रहा है tiger? Tiger roar कर रहा है, right? तो ये हम यहाँ पे रोर पे टिक मार्क लगा देंगे। ठीक है, बात समझ आती है सबको? आगे देखेंगे वर्ड्स इन पैर। आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें ना एक साथ ही अच्छी लगती हैं, मतलब पैर में ही अच्छी लगती हैं। जैसे ब्रेड के साथ हम हमेशा बटर खाते हैं, तो ब्रेड एंड बटर ये एक पैर है, मतलब ये एक जोड़ा है। पैर को हम हिंदी में जोड़ भी बोलते हैं। थ्रेड एंड नीडल, बैट एंड बॉल, चेयर एंड टेबल, ये एक पैर है ना। शूज एंड सॉक्स, पेन एंड पेपर। ठीक है, तो ये हमने पेयर्स के बारे में पढ़ा, जो चीज़ें साथ साथ रहती हैं, ब्रेड एंड बटर, पेन एंड पेपर, और क्या था? नीडल एंड थ्रेड था, राइट? तो ये हमने पेयर्स पढ़ चुके हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।